exams, stats, DLG, calculus, intro to SE. इन सब से जान छूट गई। तो देवी और सज्जनों, एग्जाम्स अपने ओवर हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर खत्म। अभी हम थोड़ा चिल करने आए, कल अपना लास्ट पेपर था, तो आज हमने कहा क्यों ना थोड़ा मूड को तब्दील किया जाए, तब्दीली लाई जाए। तो अभी हम मरी घूमने आए हैं। ये कोई कैमरे में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हमने हाजी भाई को हमेशा बहुत इज्जत की है। तो भाई जान, सीन अभी ऐसा है कि हम मंडी में मोड़ रुके थे, पर वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली फैजाबाद से, इसीलिए मिल जाती है। आप लोग जब भी हैं फैजाबाद से बैठे, अभी हम मंडी मोड़ से फैजाबाद जा रहे हैं। हाजी भाई, इस दफ़ा हमने इनको इज्जत दे दी। तो देवी और सज्जनों, अभी हम पहुंच गए हैं अपना snowfall has been started. Okay, and the snowfall has started. तो क्यों आ रहे मेरे कैमरे में? ये तो गंदा था। नहीं, ये बहुत प्यारा। जिस सीन को हम मिस कर रहे थे ना सैफ भाई, आप जिसके लिए रो रहे थे कि मैंने स्नोफॉल देखनी है, तो ये देखें सैफ भाई, ये स्नोफॉल, ये देखें ये स्नोफॉल। सज्जनों, अभी हम रूम की जाने बढ़ रहे हैं, रूम नहीं स्वीट। और यह और ये जवाब भाई कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना गरीब खाना। स्वीट में उस्मान का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी जगह उसकी कमी है, और वो रास्ते में गोलियां करा रहा था, अब वो अकेला आ रहा है। बाहर फुल बारिश स्टार्ट है, बारिश स्टार्ट है, स्नो इज फॉलिंग आउटसाइड। चाय तैयार है अपनी, वो पी के फिर निकलते हैं, बाकी के सीन आपको तब दिखाते हैं। बोला
भाईजान आप खाली सीन चेक करें यार, बहुत मजा आ रहा है हमें, बहुत मजा आ रहा है यार, कसम से आप लोगों ने मिस किया। जो जो ये देख रहे हो सब ने मिस किया, अगर घर बैठे देख रहे हो भाई तो आपको यहाँ आना चाहिए। जो टाइम है वो यही टाइम है, अभी माहौल है, अभी आओ। हाँ, अभी आओ। बर्फ ये वाला माहौल है, दूसरा माहौल नहीं। ऐसा है कि 5:35 हो गए हैं और सब जनता सो चुकी है, ये चेक करें आप। बहुत जाग रहे मेरा झूठ लग रहा। अच्छा, ये एक बंदा जाग रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं। ये हादी भाई, हमने इनको हमेशा से इतनी इज्जत दी है कि सुबह को सुलाया। तो सीन ऐसा है कि रात को हम तकरीबन 3 बजे निकले हैं माल रोड के लिए यहाँ रूम से, और बुरा सीन ये है कि मैं अपना कैमरा लेके जाना भूल गया पाकिस्तानी खतरात की वजह से, कि कोई हमारे फ़ोन वगैरह चोरी ना कर ले। हम यहीं रूम में छोड़ कर गए थे, बहुत ज़बरदस्त मॉल था। इन दो जवाद और उस्मान ने मिस की है, जो कि मुझे वहाँ जाके बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपना फ़ोन नहीं लेकर गया। बहुत मज़े का सीन था, बहुत इंजॉय किया वहाँ, झूलों पर कसूटियाँ भी मारी हमने, पान चाय। और उसके बाद वापसी पे ऐसा हुआ कि लाइट चली गई और हम सबका तेरा निकल गया, और हमने एक दूसरे को पकड़ लिया और बड़े ओके ही हम यहाँ रूम में पहुँचे। बड़ा फर्क होता है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। भाई जान, स्टोरी और ब्लॉगिंग में फ़र्क होता है, इसके साथ हम अपनी स्टोरी और ब्लॉगिंग एंड करेंगे। शुक्रिया। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर हुई है उठ के, हम रेडी हुए हैं। 12 o'clock पे हमने चेकआउट करना था और सुबह के सीन्स कुछ ऐसे। I'm going to go to the hospital.
गाइस रात कुछ नहीं यार गाइस ये शिराज भाई के स्टाइल में देवी और सचिन रात कुछ ऐसा हुआ है एग्जैक्ट 2:45 हुए थे मैं और उस्मान भाई रूम में अकेले थे ये तीनों बाहर निकले हुए थे इनमें बाहर जाने का कीड़ा आया था तो ऐसा सीन हुआ कि हमारा जो विंडो थी वो बाहर से रास्ता कलेक्टेड है कि आप आ जा सकते हैं शिराज भाई आए हैं इन्होंने विंडो नॉक की है एक दो दफा लाइट अनफॉर्चुनेटली शिराज भाई ने जैसे नॉक किया लाइट चली गई इन्होंने फिर नॉक किया लाइट आ गई उसके बाद लाइट ने हमारा साथ दिया बाप उसके बाद वाली बात है बापदा ने हमारा फुल साथ दिया भाई जान इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन मेरे यहाँ पे बज रहे बहुत मजे का ट्रिप रहा है और बहुत इंजॉय किया यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा हम भी अभी बस ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और आपको भी मैं कहूँगा लोकल आए आप अगर ऐसे कभी सीन होता है लोकल आए अपनी गाड़ी लाएंगे आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और इंजॉय भी नहीं कर सकेंगे सो लोकल आए ना आपको ड्राइविंग की टेंशन ना गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है कुछ भी नहीं मतलब टेंशन फ्री रहेगी आप